हाय वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग। सो आज का वीडियो होने वाला है मीशो ज्वेलरी होल अंडर 200। जो कुछ भी शेयर करने वाली हूँ सिर्फ 200 रुपए के अंदर अंदर है सब कुछ। एंड बहुत ही क्यूट से स्टेप है एंड आई थिंक आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। एंड पीछे से जो चें 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 पक्षी की आवाज़ आ रही है वो मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक समझ लो। एंड यहाँ से सामने से धूप भी आ रही है प्लस हवा भी आ रही है एंड रोशनी भी आ रही है। जस्ट मैं ट्रायल कर रही हूँ, देख रही हूँ कि कहाँ पे अच्छी क्वालिटी का वीडियो शूट हो सकता है, इसलिए मुझे लगा कि चलो आज यहाँ पे शूट करके देखते हैं कि क्वालिटी कैसी आती है। सो वो तो वीडियो शूट होने के बाद पता चलेगा कि कैसी क्वालिटी आ रही है। तो अगर थोड़ा ऊपर नीचे लगे ना तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे कोई वीडियो देखने के लिए। साथ शेयर करने वाली हूँ ये बैंगल्स। ऑलरेडी शॉर्ट्स में सब कुछ आप लोग देख चुके हो, बट शॉर्ट्स में क्या होता है कि इतना कुछ बोल नहीं पाते हैं, बहुत कम टाइम में आपको अनबॉक्सिंग भी दिखानी होती है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। ये ओनली आपको 200 में मिल जाएगी एंड सबसे महंगी मैं बोलूँगी यही है 200 की, सिर्फ यही रिटेल की है, बाकी तो 190-150 ऐसा ही सबका है। सो मल्टीपल यूजेस बैंगल्स में इनको बोलूँगी। आप इनको पार्टी में भी स्टाइल कर सकते हो, आप सिंगल पहन सकते हो, आप चारों एक साथ पहन सकते हो, ब्रेसलेट बना सकते हो, एक हाथ में पहन सकते हो। पिंक कलर का स्टोन है तो रेड ड्रेस के साथ जाएगा, पिंक ड्रेस के जितने भी सेट हो उन सब के साथ जाएगा एंड ऑब्वियसली ग्रीन है तो ऑरेंज के साथ भी कॉन्ट्रास्ट में जाएगा एंड अच्छा लगेगा। सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ इसको पेयर अप कर सकते हो। जैसे मैंने ये गले में एंड कान का ऑक्सीडाइज पहना है तो ऑक्सीडाइज अगर ज्वेलरी में पहन रही हूँ तो ये आराम से पहन सकती हूँ, बिल्कुल इनको मैच कर रही है। ये एकदम डार्क सिल्वर नहीं है, ये ब्लैक वाला जो सिल्वर होता है ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ होता है। जैसे ये मेरा चोकर है, जैसे मेरा ये इयररिंग है, बिल्कुल वैसी ही ये है। तो बड़ी हटके एंड अच्छी मुझे ये लगी, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट है वो है ये दोनों की दोनों रिंग्स। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, आप मेरे काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखी भी होगी मेरे को पहनते हुए। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, मतलब लगती नहीं है नकली है या फिर फेक। जो डायमंड्स की रिंग होती है ना वो ऑब्वियसली इतनी अच्छी पहनी हुई लगती नहीं है, बट है ना ये पहनी हुई बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है हाथ पे, बहुत ही क्लासी सा अलग सा लुक देती है एंड आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी। मैंने इनको यूज़ करने के बाद मैं बोल सकती हूँ कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, डायमंड नहीं गिरे, साइन नहीं गई। सबसे बढ़िया बात है कि आप देख पा रहे हो मेरे हाथ पे बिल्कुल वैसे के वैसे साइन है, काफ़ी सारी वीडियोज़ में भी मैंने पहनी है। तो ये 99 रुपये या फिर 110 कुछ ऐसा सा रिटेल किया है। साड़ी पे, सूट पे, वेस्टर्न पे, गाउन पे, हर चीज़ पे पहन सकते हो एंड बहुत ही प्यारी लगती है। चिकनकारी कुर्ती है ना तो इसके साथ में भी मैं इसको वेयर कर सकती हूँ, अच्छी लगेगी, पहनी हुई प्यारी लगेगी। तो एक ऐसी ज्वेलरी जो कि आप बाहर आने जाने में भी पहन सकते हो, घर में भी पहने रखती हूँ, बाकी आगे की वीडियो में भी आप लोगों के साथ। नेक्स्ट जो है वो है ये झुमका। कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है, मैं माइक के पास से दिखना देती हूँ आपको, ऐसी आवाज़ें आती है पहनने के बाद। इनमें ना मुझे डिफरेंट ये लगा कि एक तो ना ये पीछे ऐसा डालने वाला हुक है, पेच वाला कोई झंझट नहीं है। नॉर्मली जो झुमके आते हैं ना उसके पीछे पेच आते हैं, बट इसके पीछे ऐसे पेच नहीं है, ये वाला बना हुआ है। तो इससे ना पहनने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है पहनने के बाद एंड बहुत ही ज़्यादा छोटा, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है ये वाला जो पार्ट है। एंड यहाँ पे बहुत ही क्यूट सी बटरफ्लाई तितली बनी हुई है, मेरे कान के पास आएगी एंड मुझे इसका पैटर्न सब कुछ बहुत अच्छा लगा। इसमें आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, मैंने ये वाला कलर लिया सो दैट मेरे पास ऐसे काफ़ी सारी ड्रेसेस है। मैं अभी आपको इजी टू वेयर कितनी है ये पहन के दिखा देती हूँ। बहुत ही ये क्योंकि ऐसा है इसका तो ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। टिक, कितना ईजी पहना गया। जो नेक्स्ट है वो है ये फुल सेट। इसके अंदर आपको ये बड़े बड़े सुंदर सुंदर झुमके मिल जाते हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा पर्ल वाला चोखर मिल जाता है जो कि मुझे तो बहुत पसंद आया। आप कोई भी ड्रेस के साथ इसको स्टाइल कर सकते हो एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है कि ये दिखने में बहुत चीप लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बोल ही नहीं सकता कि ये 170 का है आई थिंक या फिर 160 का ऐसा सा है, जो भी प्राइस है मैं यहाँ पे कहीं पे मेंशन कर दूँगी, आप देख लेना। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया, पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देता है। इसमें आप देखो इतनी गर्मी में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं नीचे वाला चोकर निकाल के ये पहनूँ, बट स्टिल मैंने ऊपर से पहन लिया है एंड अच्छा लग रहा है। आप लोगों को पता चल ही रहा है कि कितना प्यारा लग रहा है। सेम ऐसे ही ये झुमके हैं जो कि बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो ये झुमकों के साथ में ये वाला सेट भी बहुत ही अच्छी डील है, आप इस पर जा सकते हो। जो है वो है ये वाली इयररिंग्स। ये आपको 24 इयररिंग्स का पूरा सेट मिलता है, मेरे पास सोर्स है इसका अनबॉक्सिंग का, बट इसका जो पूरा का पूरा एक चार्ट आया था जिसपे अलग अलग कलरफुल ऐसे सनफ्लावर के इयररिंग्स बने हुए थे, वो कहीं ना कहीं मिस हो गया है, मतलब सामान में इधर उधर हो गया है। तो जैसे मुझे मिलेगा ना तो उसमें इंसर्ट कर दूंगी मैं क्लिप, अगर मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो शॉर्ट वाला ही मैं इंसर्ट करूंगी। तो उसमें से मेरे पास सिर्फ ये रेड वाला है जो कि मैंने ज्वेलरी बॉक्स में डाल रखा था, वो मुझे मिला है। प्लीज़ इसको बाय मत करना क्योंकि ना ये यहाँ से निकल रहा था,
इतना सक्सेस नहीं था। पेज का जो पीछे वाला लूप और ये सनफ्लोर वाला ना ये निकल रहा था, बाकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं आपको पहन करके दिखा देती हूँ। आई थिंक 130 ये रिटेल करता है, बट 130 के बाद भी अगर 130 में भी आपको इतने सारे ईयरिंग्स मिल जाते हैं, समर के अकॉर्डिंग बेस्ट है, आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग पहन सकते हो, तो प्राइस वाइज मुझे बहुत सही लगा। पैटर्न डिज़ाइन सब बहुत सुंदर है, ये देखो बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। इस कुर्ती के साथ में भी बढ़िया जा रहा है, आई थिंक इतना अच्छा तो नहीं जा रहा, फिर भी अच्छा जा रहा है, चलो अच्छा जा रहा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। बट क्योंकि इसका ये पीछे का जो है ये वाला प्लस ये वाला, ये दोनों ना इतने टाइटली उस जो पेपर आता है उससे जुड़े हुए थे कि उनको हटाओ ना तो वो हट ही नहीं रहे थे, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि टूट रहे थे। आपको दोबारा से फेविक्विक से चिपकाना पड़ेगा। अगर मुझे मिलता है तो मैं अटैच कर दूँगी कहीं पर भी क्लिप, बट नहीं मिलता है तो आप इसी से ही समझ जाओ। और अगर ये चीज़ काम की नहीं है तो शेयर करो ना करो, दोनों बराबर है। जो चीज़ें काम की है वो मैं बता रही हूँ, जैसे ये वाला मुझे अच्छा लगा तो वो आप बाय कर सकते हो। कभी गेट पूरा खुल जाता है तो अच्छी रोशनी आती है, कभी कम खुलता है धूप ज़्यादा आती है तो रोशनी अच्छी नहीं आती, तो पूरा वीडियो ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है भाई, क्या करें। नेक्स्ट जो है वो ज्वेलरी पीस तो नहीं है बट स्टिल मुझे बहुत पसंद है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सिंदूरदानी है, जो भी मैरिड लड़कियाँ हैं उनके लिए बहुत काम की चीज़ मुझे लगी। ये 2 का सेट आपको आई थिंक 170 का पड़ता है और मैंने 2 बाय किया था, एक मेरे लिए एक मेरी फ्रेंड के लिए जो कि मैं उसको गिफ्ट कर चुकी हूँ, मेरे वाला मेरे पास है। आप एक खरीदोगे ना वो 80 रुपये का मिलेगा। तो इसमें ऊपर बहुत ही प्यारे से ऐसे गणेश जी बने हुए, इसको यहाँ से ओपन करोगे फिर ये वाला पार्ट निकलेगा एंड यहाँ से आप आराम से इसके अंदर ना सिंदूर डालने के लिए ऐसी नली से सिंदूर आ जाता है, इसको आप ऐसे प्लेस कर सकते हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट अच्छा सुंदर लगा, तो ये मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी। अगर आप मैरिड हो या फिर शादी होने वाली है या फिर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो भी बेस्ट है, बहुत सुंदर। इसकी क्वालिटी अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, पैकिंग वगैरह भी बहुत अच्छी होके आई थी, अनबॉक्सिंग का मैंने शो डाला हुआ है। तो ये मेरा फ्री में ज्वेलरी तो नहीं है बट फ्री में एक सजेशन है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप मैरिड हो तो बहुत सुंदर लगती है, रखी हुई भी बहुत सुंदर लगती है, पॉजिटिविटी आती है। जब से ये आया तब से मैं सूखा सिंदूर ही लगाती हूँ, वो वाला सिंदूर नहीं लगाती हूँ, तो ये भी आप बाय कर सकते हो। लास्ट वन है ये ज्वेलरी बॉक्स, जो कि आपने हर जगह देखा होगा, बट ज्वेलरी की बात चल रही तो मुझे लगा ये भी सजेस्ट कर दूँ। ये मुझे अब बहुत काम की चीज़ लग रही है। जो सनफ्लोर वाले जो इयररिंग्स थे वो मेरे खो गए क्योंकि वो मैंने इसमें नहीं रखे, बाकी जो भी मैंने इसमें रखे हैं वो सब कुछ मुझे मिल गया है, तो बहुत काम की चीज़। आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मैंने 1 बाय किया है, 150 समथिंग का मुझे मिला है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो। मेरा क्विक रैंडम ज्वेलरी मीशो होल जो कि सारा का सारा स्टेप है, ओनली 200 में मैंने बाय किया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे सो दैट मेरा मोटिवेशन बना रहे, एंड पर्पल हार्ट छोड़ सकते हो आप चाहो तो कमेंट में। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय।